क्वेश्चन नंबर 33, अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स SHM ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद फ्रीक्वेंसी नो जीरो. द ब्लॉक कैरीज अ चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स सरफेस. इफ नाउ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एज शोन, देन SHM ऑफ द ब्लॉक विल बी. तो ऑलरेडी जो वुडन ब्लॉक था, इट वॉज परफॉर्मिंग SHM on a frictionless surface with a frequency given by mu zero. अब ये जो ब्लॉक है इस पे चार्ज भी है, फिर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट्स फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वाइब्रेशन होंगे. तो what will be the new SHM in terms of frequency and mean position? तो ऑप्शन में बोला है the SHM of the block will be of the same frequency with shifted mean position, of the same frequency with same mean position, of changed frequency and with shifted mean position, of changed frequency and with the same mean position. देखो, question is pretty simple. हमको पता है frequency of simple harmonic motion is 1 upon 2 pi root of k by m, right? So it depends on the spring constant and it depends on m, right? Okay. So, मतलब first thing is कि electric field क्या करेगा? Electric field का direction पता होना चाहिए. What is the direction of electric field? This is what you should know. Electric field का direction आप negative से positive लेते हो, positive से negative लेते हो, मतलब क्या होता है? That you should know. तो so, electric field सिर्फ करेगा क्या? Electric field जो है वो block को शिफ्ट कर देगा. दैट्स इट. तो मान लो अगर ये मेन पोजीशन है ब्लॉक का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल जस्ट शिफ्ट द मेन पोजीशन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और समथिंग लाइक दैट. इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम, राइट? सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, but due to force exerted by electric field, और आपको पता होना चाहिए force exerted by electric field होता है q into e, मतलब charge capital q into e is electric field, right? The equilibrium position gets shifted. The equilibrium, position gets shifted. Right? In this case, we don't need to know कि shift कितना हुआ. सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि equilibrium position shift हुआ. We don't need to know how much is the shift. Okay? So option number A, the SHM will now be of the same frequency with shifted mean position. That's it. So electric field doesn't have any effect on the frequency of simple harmonic motion. It is just shifting. क्योंकि electric field है तो वो charge पे force exert करेगा, and because of that force, the block will move away or towards whatever it is. So it will change its mean position. That is what you need to know. 35th, if a spring has time period capital T and is cut into n equal parts, then the time period of each part will be. हमको ये पता होना चाहिए, the spring, if a spring of time period T is cut into n equal parts, मैंने आपको बताया था कि जब आप एक स्प्रिंग को काटते हो, when you are cutting a spring, that means each of the part will have, for example, you should remember, हमने पहले एक स्प्रिंग को काट के इसके दो स्प्रिंग बनाए थे. हर एक, अगर इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के था तो इसका 2k और इसका 2k हो जाएगा. क्यों? मैंने बताया था, वापस जोड़ के देखो, व्हेन यू जॉइन दिस टुगेदर तो वापस के मिलना चाहिए ना.
ज्वाइंट टुगेदर का मतलब क्या होता है, मैं एक के बाद दूसरा स्प्रिंग लगाऊंगा, मतलब सीरीज में कनेक्ट करूंगा। तो सीरीज में क्या आता है, 1/KS इज इक्वल टू 1/K प्लस 1/2K, क्योंकि इन दोनों का 2K 2K है बराबर, तो ये आ जाएगा 1/KS इक्वल टू 2/2K। कैंसिल कैंसिल, मतलब KS इज इक्वल टू K आ गया, यस राइट। तो अगर मैं तीन पार्ट्स करता हूँ स्प्रिंग के, तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, 3K। अगर मैं चार पार्ट करता हूँ तो 4K। सो वी नो दैट, वी नो दैट व्हेन द स्प्रिंग इज कट इनटू एन पार्ट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इज के इक्विवेलेंट इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ के। मैंने अभी अभी डेमोन्स्ट्रेट किया, ये दो और तीन पार्ट लेके मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो यू शुड नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम सेइंग दिस। आपको पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट विल बी, व्हाट वी नो इज दैट टाइम पीरियड वाज 2π√m/k राइट। ओके तो इस केस में दिस इज जनरल एक्सप्रेशन राइट, सो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1π√k करेक्ट। न्यू टाइम पीरियड जो होगा ना ईच पार्ट का, मैं उसको टी डैश बोलता हूँ राइट, टी डैश फॉर ईच पार्ट। जब आपने कट नहीं किया तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय इक्वेशन वन। सो टाइम पीरियड फॉर होल स्प्रिंग इज, लेट मी से दिस इज इक्वेशन वन, ये नहीं ये हो। सो टाइम पीरियड ऑफ अनकट स्प्रिंग इज गिवन बाय इक्वेशन वन, देयरफॉर यू हैव टी प्रोपोर्शनल टू 1/k। ऑल राइट, यू हैव टी प्रोपोर्शनल टू 1/k। जस्ट अ मिनट, ओके। फॉर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने स्प्रिंग को काट दिया था राइट। व्हेन स्प्रिंग इज कट इनटू एन पार्ट्स, देन फॉर ईच पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड टी डैश इज, टी डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/√NK, मतलब रूट ऑफ के इक्विवेलेंट, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/√NK। तो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू, सिर्फ सॉल्व करना है, 1/√NK अपॉन 1/√K, तो 1/√N राइट। मिल गया हमको आंसर, टी डैश इज टी बाय रूट ऑफ एन, खत्म डन राइट। दिस इज ऑल, सिर्फ हमको ये देखना है, और एक्चुअली ओरल क्वेश्चन था, टू बी फ्रैंक इट वाज एन ओरल क्वेश्चन, सो देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू टी बाय रूट एन। व्हाई इट वाज ओरल, बेसिकली क्योंकि ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट ओरली मुझे पता था टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के राइट। और जब मैं एन पार्ट्स में कट करता हूं तो ईच पार्ट का के हो जाता है एन के, तो मैं सिर्फ इसका रेशियो लेने वाला था। रेशियो मतलब वैसे इट्स वेरी सिंपल थिंग, रेशियो लोगे तो सीधा आप टी डैश इक्वल टू टी बाय रूट एन पे आ जाओगे, सो इट इज दैट सिंपल क्वेश्चन।
So it was really simple. Let's move to next question now. 36th. A mass m is suspended separately by two different springs of spring constant k1 and k2. Time period t1 and t2 respectively. तो इसका spring constant k1 है, इसका spring constant k2 है, इसका time period t1 है, इसका time period t2 है. If the mass m is connected by both spring as shown in figure, then time period t is. मतलब जब हमने पहले केस में पहला स्प्रिंग लिया, उसको मास m अटैच किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट k1, टाइम पीरियड t1. सिमिलरली जब हमने दूसरी स्प्रिंग को वापस से ये मास m अटैच किया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k2 एंड टाइम पीरियड t2. अब दोनों स्प्रिंग को कॉमनली मास अटैच कर दिया हम लोगों ने. पहले का k1 स्प्रिंग कांस्टेंट है, k2 है. तो अब न्यू केस में व्हाट विल बी the time period that you will obtain. So what you should know and how you will start, again by using the formula of time period. What we know is time period t1 is equal to 2 pi root of m by k1 for first spring, right? For second spring, 2 pi under root of m by k2, right? Ab jab humne दोनों स्प्रिंग को एक साथ कॉमनली मास अटैच कर दिया, मतलब पहला स्प्रिंग और दूसरा स्प्रिंग दे आर इन पैरेलल, राइट? सो व्हेन मास m इज कनेक्टेड बाय बोथ द स्प्रिंग्स इज कनेक्टेड बाय बोथ द स्प्रिंग्स के इक्विवेलेंट जो होगा दैट इज k1 प्लस k2 बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच कॉम्बिनेशन इज पैरेलल एंड व्हिच इज सीरीज, राइट? तो इस केस में टाइम पीरियड होगा, देयरफॉर टाइम पीरियड इन दिस केस इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई k1 प्लस k2. Correct. Right. So what we can do is now, let me just make some space first. What we can do is we can square this equation. So squaring, we get t square equal to 4 pi square m upon k1 plus k2, right? फिर मैं इसका reciprocal ले लूंगा. क्यों ले लूंगा? समझेगा आगे जाके. So you just have to look at what I am doing, क्योंकि हमको answer t1 और t2 के term में लाना है, right? तो मुझे यहाँ पे इस bracket में जो लिखा है m upon k1 plus k2, इसको दो parts में split करना पड़ेगा तो ही possible होगा. तो स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस. देयरफॉर 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर k1 प्लस k2 बाय m. देयरफॉर 1 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई स्क्वायर k1 बाय m प्लस k2 बाय m. Therefore, 1 upon t square is equal to, अब ये जो 4 pi square है, ये आप multiply कर सकते हो दोनों से, right? तो 1 upon 4 pi square k1 by m plus 1 upon 4 pi square k2 by m. Therefore, 1 upon t square is equal to, ये जो 1 upon 4 pi square k1 by m है, if you look here, ये इसका t1 square का reciprocal है. मतलब ये आ गया 1 upon t1 square और जो दूसरा term है ये 1 upon t2 square है, right? Therefore मैं लिख सकता हूँ इसको t
टी रेस टू माइनस टू इज इक्वल टू टी रेस टू माइनस वन का स्क्वायर, मतलब टी रेस टू टी वन रेस टू माइनस टू प्लस टी टू रेस टू माइनस टू. तो टी रेस टू माइनस टू इज इक्वल टू टी वन रेस टू माइनस टू प्लस टी टू रेस टू माइनस टू, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है. तो क्वेश्चन क्या था कि आपके पास एक स्प्रिंग है, एक मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, आपने मास अटैच कर दिया, उस वो ऑसिलेट हो रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी वन इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एम बाई के वन. सिमिलरली दूसरा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के टू है एंड यू आर मेकिंग इट ऑसिलेट एंड इन दैट केस टी टू इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एम बाई के टू. फिर हमने इन दोनों स्प्रिंग को कॉमनली मास लगा दिया तो के इक्विवेलेंट बन गया के वन प्लस के टू बिकॉज इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर. तो टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई रूट ऑफ एम बाई के इक्विवेलेंट विच इज टू पाई रूट ऑफ एम अपॉन के वन प्लस के टू, फिर स्क्वायर ले लिया, फिर हमने रेसिप्रोकल ले लिया बिकॉज मुझे टी वन स्क्वायर और टी टू स्क्वायर एडजस्ट करना था. तो जब रेसिप्रोकल लूंगा तो आई कैन स्प्लिट के वन प्लस के टू बाई एम, आई कैन राइट के वन बाई एम प्लस के टू बाई एम, हो गया. फिर सिंप्लीफाई करते गए and we get t raised to minus 2 equal to t1 raised to minus 2 plus t2 raised to minus 2. Okay, next question. The bob of a simple pendulum executes simple harmonic motion in water with a period t, while the period of oscillation of the bob in air is t0. Neglecting frictional force of water and given that the density of bob is 4 by 3 into 1000 kilogram per meter cube, what is the relationship between T and T0? मतलब एयर में T0 टाइम पीरियड है और वाटर में T है और आपको डेंसिटी ऑफ बॉब, बॉब का आपको डेंसिटी दिया है 4 by 3 into 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट. हमको पूछा है टी और टी जीरो में रिलेशन क्या आएगा. हमको व्हाट वी नो इज, हमको ये पता है कि इन एयर टी जीरो इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी एंड इन वाटर टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव. क्योंकि वाटर में पेंडुलम रख भी दिया हमने तो लेंथ तो चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड चेंज किया बिकॉज ऑफ चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. वो कैसे आता है, सो यू शुड नो दैट बियॉन्ड फोर्स, मतलब जब आप वाटर में पेंडुलम को रखते हो सो देर इज अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज कॉल्ड एज बियॉन्ड फोर्स. मैंने आपको ये बोला था पढ़ने के लिए, आई डोंट नो इफ यू हैव डन इट और नॉट. सो इन वाटर देर विल बी अ फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच टेंड्स टू रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी. क्योंकि जब वाटर में पेंडुलम होगा, सपोज दिस इज वाटर एंड दिस इज पेंडुलम एंड द अपवर्ड फोर्स इज बेसिकली बियॉन्ड फोर्स, और आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑफ बुयोन्सी, अब थ्रस्ट भी बोलते हैं इसको, और नीचे जो होता है हमेशा वेट ऑफ द बॉडी होता है, वेट ऑफ द बॉडी नीचे होता है, राइट. तो हाउ डू यू फाइंड आउट बियॉन्ड फोर्स, दिस इज व्हाट यू मस्ट नो ऑलवेज. तो बियॉन्ड फोर्स जो होता है, लेट अस से एफ बी, या फिर आप थ्रस्ट भी बोल सकते हो, राइट. सो दिस इज बेसिकली गिवन बाय डेंसिटी, मतलब दिस इज 1000 इंटू वी इंटू जी, राइट राइट. कैसे आया आपको देखना है. यू वी आर सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, ये आपको खुद को करना था. और वेट कितना आएगा, डब्ल्यू कितना आएगा, इट इज 4/3 इंटू 1000 वी जी. ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, इट्स नथिंग, एम इंटू जी कर रहा हूं मैं. तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स मतलब डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, मतलब अप थ्रस्ट बियॉन्ड फोर्स,
This is 4 by 3 multiplied by 1000 Vg minus this is 1000 Vg. तो इसमें से हमने कॉमन क्या क्या निकाल लिया, वी हैव टेकन आउट कॉमन 1000 Vg, तो 4 बाई 3 माइनस 1000 Vg ये कॉमन है, तो ये आ गया 1 बाई 3 इंटू 1000 Vg, राइट. इससे हमको क्या मिला, ये है नेट फोर्स. व्हाट वी नो इज बट नेट फोर्स इज व्हाट, मास इनटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेट फोर्स अपॉन मास, करेक्ट, राइट. ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, ये आपको खुद को करना पड़ेगा. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट समथिंग लाइक 1000 Vg बाय 3 इंटू 4 बाय 3 इंटू 1000 V, मतलब ओवरऑल 1000 V, मतलब ओवरऑल इफेक्टिव एस G बाय 4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव इज G बाय 4. Therefore, जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड इन एयर वॉज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G, यहाँ पे टाइम पीरियड इन वाटर वॉज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G इफेक्टिव, राइट, करेक्ट. तो टाइम पीरियड इन वाटर टू दैट ऑफ एयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इफेक्टिव बाय G, एंड G इफेक्टिव बाय G इज नथिंग बट 1 बाय 4. Therefore, T upon T0 is equal to 1 by 4, that is 1 by 2. So, T is T0 by 2. So, option number aapka B aana chahiye. Right? Correct. B aana chahiye ya C aana chahiye, that you have to check. This is what you have to check. Because galti yahan pe hoti hai. क्यों गलती होती है, बिकॉज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाई इट इज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी होता है, दैट वी हैव रिटन द अदर वे अराउंड. तो ये जो है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट ऑफ जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसा उल्टा आने वाला है. तो बहुत जगह पे ये गलती हो जाती है, तो ये याद रखना जी अपॉन जी इफेक्टिव from here is nothing but 4, under root of 4 is 2, so t is equal to 2 times of t0, so time period in water is 2 times of time period in air, right. Main question repeat karna ho, and I am leaving few things for you to do, because up thrust ya Archimedes principle ya buoyant force maine aapko bola tha ki you have to do on your own, and I don't see that you have done. तो मुझे तो दिख नहीं रहा कि आपने किया है, सो दैट्स व्हाई आई एम लिविंग इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू, जस्ट दैट थिंग दैट बोयन फोर्स आपको देखना ही है. इट्स सिंपल, इट्स बेसिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लो, मतलब बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वाटर, वाटर में पीरियड टी है, एयर में टी जीरो है, आपको बॉब का डेंसिटी दिया हुआ है, हमको पता है व्हाट वी नो इज टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी. तो एयर में जो टाइम पीरियड की बात करोगे तो टी जीरो इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, इन वाटर टी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन जी इफेक्टिव का स्क्वायर रूट, राइट. फिर जब पेंडुलम वाटर में होगा तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक डाउनवर्ड है वेट, वेट कैसे निकालते हो, एम इंटू जी, वो एम इंटू जी किया है मैंने. वेट इज व्हाट, वेट इज एम इंटू जी. व्हाट इज मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी. व्हाट इज डेंसिटी, 4 बाय 3 दिया है आपको, तो वैसा आया वो. व्हाट इज बियॉन्ड फोर्स, अप थ्रस्ट. व्हाट इज अप थ्रस्ट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. व्हाट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, एम इंटू जी, मतलब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, and mass of the liquid displaced is density into V into G. तो ये आपको पता होना चाहिए, buoyant force is weight of liquid displaced,
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, है ना, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जगह थोड़ा सा कम है मेरे पास, इनटू जी. व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू वॉल्यूम इनटू जी. व्हाट इज, कौन सा लिक्विड है? वाटर. वाटर का डेंसिटी कितना था? 1000. इसलिए यहाँ पे आया 1000 VG. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ो, क्योंकि नॉट एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू बाय अ टीचर, खुद को पढ़ना पड़ेगा. फिर इसका मतलब, जब पेंडुलम वाटर में था तो एक अपथ्रस्ट है, अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, तो रिजल्टेंट इज डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, वो करो. फिर आपको जी इफेक्टिव निकालना है, यू कैन फाइंड आउट जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव आप फाइंड कर सकते हो. कैसे फाइंड कर सकते हो? मैंने यहाँ लिखा है, सो इट्स अप टू यू हाउ टू फाइंड आउट जी इफेक्टिव, राइट? सो इवन इफ आई डोंट टेल यू दिस फॉर्मूला, इफ आई डोंट टेल यू एनीथिंग फ्रॉम दियर, यू शुड नो बाय योरसेल्फ हाउ टू फाइंड आउट जी इफेक्टिव. ये आपको खुद को पता होना चाहिए, राइट? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आइडियल गैस इंक्लोज्ड इन अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर सपोर्ट्स अ फ्रीली मूविंग पिस्टन ऑफ मास m. द पिस्टन एंड द सिलेंडर हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया a. व्हेन द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज v0, its pressure is P0. The piston is slightly displaced from its equilibrium position and released. Assuming that the system is completely isolated from its surrounding, the piston executes a simple harmonic motion with a frequency. What a question, na? Badiya question hai ekdam. To, hamare paas ek vertical cylinder hai. Okay? हमारे पास एक वर्टिकल सिलेंडर है. पहले पिस्टन था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और पिस्टन का मास एम है. पिस्टन को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब यहां लेके आ गए और रिलीज कर दिया. एंड थिंग इज, जब इक्विलिब्रियम में था पिस्टन, जब इक्विलिब्रियम में था तो डिस्प्लेस करने से पहले वॉल्यूम वॉज V0, प्रेशर वॉज P0. अब आपने इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया, अगर आप पिस्टन को ऊपर ले जाओगे तो प्रेशर कम होगा, नीचे ले जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. सिंपल है, डिपेंड करता है. वैसे बाय द वे, डजंट मैटर, यू आर जस्ट डिस्प्लेसिंग इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो ठीक है. एंड रिलीज्ड. अब सिस्टम जो है ये सराउंडिंग के साथ कंप्लीटली आइसोलेटेड है, तो इस केस में पिस्टन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाला है. एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय द पिस्टन. सबसे पहले व्हाट यू मस्ट नो इज, व्हेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, प्रेशर exerted by the piston is force upon area and force, piston force कहाँ से लाएगा? Weight से. Piston का weight है ना, क्योंकि mass है. What is weight mg of the piston upon a? So in equilibrium what we have is, in equilibrium what we have is pressure P0 is equal to mg by a, right? ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग से आइसोलेटेड है. इसका मतलब दिस प्रोसेस इज और इट विल बी एडियाबैटिक, बिकॉज देयर विल नॉट बी एक्सचेंज ऑफ हीट, राइट? सो द प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक सिंस the system is isolated.
since the system is isolated. Therefore, I can write down P0 V0 raised to gamma is equal to PV raised to gamma, where P and V are the new values of pressure and volume when the piston is displaced. Right? Correct. When the piston is displaced. How do you write down volume? Volume is area of cross section into length of cylinder. तो मैं मान लेता हूं कि initially ये जो है ये length of cylinder है, area of piston तो a है, तो area into length of cylinder is volume. अब जब मैंने displace किया है, मैं मान लेता हूं piston को मैंने displace कर दिया है with some distance, let us say x, right? With some distance x. तो pressure P, what will be the new volume? It will be A. और यहां पे होगा x0 minus x. क्योंकि इस केस में क्या होगा ना, new length. Volume is area into length. Length कितना आ गया? x minus x0 whole raised to gamma. क्योंकि this is the length ना in the new case, and that is what? x0 minus x. एक्सीलेंट. तो मुझे मिल जाएगा P0 A raised to gamma. By the way, I don't like the way I am writing things. So let me just orient it little bit. Okay, that's okay. या थोड़ा सा मुझे प्रॉपर लगता है कि आई डोंट लाइक थिंग्स टू बी इन नॉट ऑर्गेनाइज्ड वे. ओके गुड राइट. तो आई विल राइट दिस एज पी जीरो ए रेस टू गामा एक्स जीरो रेस टू गामा, दैट इज पी ए रेस टू गामा एक्स माइनस एक्स जीरो रेस टू गामा. ये कैंसल हो गया. Therefore, the final pressure in the displaced position will be P0 X0 upon X minus X0 whole raised to gamma. ये आ गया आपका final pressure. Okay, good. So we know that in displaced position, a restoring force acts. पता है ना, restoring force मतलब वो piston को वापस से अपनी जगह पे ले जाने की कोशिश करेगा. A restoring force will act on the piston. And is given by, so the restoring force that is given by F, restoring force is FR, that is restoring force, you should know is equal to MG, matlab weight of the piston, minus, how do you write down force? Maine aapko already bataya, force is pressure into area, general formula, right? MG was weight, मतलब पिस्टन का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, राइट, माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स. तो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो एम जी माइनस पी जीरो, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया करना है तो मैं लिखता हूँ प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स. अब समझाता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग, समझ लो. पिस्टन था इक्विलिब्रियम पे, हमने क्या किया, उसको नीचे दबा दिया. नीचे दबाने से क्या हुआ,
प्रेशर चेंज हुआ। प्रेशर चेंज हुआ मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो आके पिस्टन के वॉल को हिट करेंगे, मतलब मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे, मतलब एक अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, मतलब उसको वापस से अपनी जगह पे भेजने की कोशिश करेंगे, मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर पिस्टन का खुद का मास ही नहीं होता, अगर पिस्टन का खुद का मास नहीं होता तो रिस्टोरिंग फोर्स होता सिर्फ पी इंटू ए, बिकॉज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी इन द अपर डायरेक्शन, क्योंकि पिस्टन ऊपर है ना, ऐसा है ना, पिस्टन इक्विलिब्रियम था, उसको नीचे लाए, मतलब यहाँ पे इफ यू वांट आई विल शो इट विद डिफरेंट कलर ओवर हियर। तो यहाँ पे न्यू पोजीशन है पिस्टन का, द वन इन द रेड, राइट। अब गैस मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल इस पे जाके कोलाइड हो रहे हैं, मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, एंड प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक फोर्स है पी इंटू ए जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वेट ऑफ द पिस्टन जो है एम जी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। अगर पिस्टन मासलेस होता तो सिर्फ पी इंटू ए विल बी रिस्टोरिंग फोर्स। ये आपको समझना जरूरी है, दिस इज हाउ यू थिंक ऑफ फिजिक्स। अच्छा, हमने पिस्टन को नीचे किया था, उससे क्या हुआ, उससे प्रेशर बढ़ा, मतलब क्या हुआ, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस दे आर कोलाइडिंग विद द पिस्टन, मतलब दे आर एक्चुअली इम्पार्टिंग मोमेंटम, मतलब दे आर ट्राइंग टू पुश द पिस्टन अपवर्ड, द रिस्टोरिंग फोर्स इज पी इनटू ए। बट वेट अ मिनट, पिस्टन का तो खुद का मास भी था, वेट इज एम जी डाउनवर्ड्स एंड पी इनटू ए इज अपवर्ड, तो टोटल नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज एम जी माइनस पी ए, दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस प्रेशर। इसलिए तो हमने प्रेशर का इक्वेशन निकाला था फिर इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, क्यों, क्योंकि आंसर में इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यू लिया है, P0 x0 अपॉन x माइनस x0 वोल रेस टू गामा इनटू a, राइट। ये आ गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स, गुड। अब इसको आप सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर एम जी। अभी ये कैसे करना है, हाउ डू यू राइट डाउन एम जी, हाउ डू यू सॉल्व दिस, आई विल लीव इट एज एन स्मॉल एक्सरसाइज, बट फाइनली फोर्स इज इक्वल टू माइनस गामा पी जीरो ए एक्स अपॉन एक्स जीरो, ऐसा आता है, राइट। वो कैसे आता है, दैट यू हैव टू वर्क आउट बाय योर ओन। देन वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी, ओके, वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट फ्रीक्वेंसी, तो इस पे से हमको मिल जाएगा ओमेगा, क्यों, क्योंकि याद होगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, आपने लिखा था रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स एंड के वॉज बेसिकली रिलेटेड टू ओमेगा एस एम बाई ओमेगा स्क्वायर, है ना, बट मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बट रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज माइनस के इन टू एक्स वेयर एक्स जीरो, एक्स वॉज डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स जीरो आएगा यहाँ पे, करेक्ट, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस एम बाई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज हमको पता है ओमेगा इज रूट ऑफ के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, तो के इज एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन एंड टू से आया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू आप लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस गामा पी जीरो ए एक्स अपॉन एक्स जीरो,
राइट, और एम कैपिटल एम है इसलिए कैपिटल एम लिखा जाएगा, और ये एक्स होगा एक्स नॉट एक्स जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स से डिनोट किया है, एक्स जीरो तो ओरिजिनल लेंथ था। गुड, मैं वापस बता ही दूंगा आपको वैसे भी, बट आई जस्ट हैव टू टेल यू नाउ विद अ लिटिल करेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स लिया हुआ है, ओके बस इतना इतना ही बोलना था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। तो ये और ये हो गया कैंसल, तो ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस था तो माइनस माइनस भी गया, गामा पी जीरो ए अपॉन एम एक्स जीरो, मतलब मुझे फाइनली मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी जीरो ए अपॉन एम एक्स जीरो। इससे क्या मिला, इससे क्या मिला, हमको क्या चाहिए था, हमको फ्रीक्वेंसी तो चाहिए था, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज टू बाई एन, तो एन इज ओमेगा बाय टू पाई, तो आ गया वन बाय टू पाई अंडर रूट ऑफ गामा पी जीरो ए अपॉन एम एक्स जीरो। ऐसा है कि वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ गामा पी जीरो ए एम एक्स जीरो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, फिर कहाँ पर गड़बड़ हो गई अपनी, ऑप्शन नंबर सी है ना, है सी, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, सी करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कहाँ पे हमारा करेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ये नीचे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा है, हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स जीरो और ले लिख रहे हैं, वॉल्यूम कैसे लाओगे आपको पता है, व्हाट इज वॉल्यूम, मैंने ऑलरेडी पता है सिलेंडर का वॉल्यूम वी जीरो क्या आएगा, ए टाइम्स ऑफ एक्स जीरो आएगा, बराबर, गुड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स जीरो इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ए, यस लिख सकता हूँ। फिर ये मैं एक्स जीरो को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या, यस मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, नीचे और एक ए था वो ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, आ गया क्या, राइट आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन वॉज वेरी गुड, वेरी हाई लेवल, यस, दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट यू आर सेफ टू क्विट, बट आई वुड लाइक दैट यू डू इट, अच्छा है स्कोर करना है अच्छा, तो देखो सिंपल है, इक्विलिब्रियम पोजिशन में पिस्टन का लेंथ मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालोगे तो सिलेंडर का लेंथ x0 है, एरिया a था पिस्टन का, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड वॉज a इंटू x0 दैट इज v0, तो वहां से आपको मिल गया x0 इज इक्वल टू v0 बाय a। इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था दैट इज फोर्स अपॉन a दैट इज दिस वन, फिर क्योंकि ये सिस्टम सराउंडिंग से आइसोलेटेड है तो एडियाबैटिक है, पी जीरो वी जीरो रेस टू गामा इक्वल टू पी वी रेस टू गामा, राइट करेक्ट, पी इज द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर यू हैव फाइनल प्रेशर आफ्टर यू हैव डिस्प्लेस्ड द पिस्टन एंड वी इज द फाइनल वॉल्यूम, तो डिस्प्लेस्ड पोजिशन में वॉल्यूम क्या आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे एक्स हमने डिस्प्लेसमेंट किया, ओरिजिनल लेंथ था x0 और हमने x डिस्प्लेस कर दिया, तो x0 माइनस x विल बी द न्यू लेंथ ऑफ द सिलेंडर इनटू एरिया a, तो x माइनस x0 इनटू a इज द न्यू वॉल्यूम v, तो न्यू वॉल्यूम v इज x0 माइनस x इनटू a, फिर इसको इक्वेट करके हमको मिल गया p फाइनल प्रेशर का इक्वेशन। अब जब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इम्पार्टिंग मोमेंटम टू द पिस्टन, मतलब वो पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो रिस्टोर करना चाहते हैं पिस्टन का इक्विलिब्रियम पोजीशन, पर पिस्टन का वेट डाउनवर्ड्स है और फोर्स ड्यू टू दिस कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की अपवर्ड है पी इंटू ए है, डाल दिया, देन फिर आपने बेसिकली क्या किया है, यहां से जो mg है इक्वल टू p0 a
ये यहाँ पे आपने एम जी की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है और सिंप्लीफाई किया। मैं नहीं बताना चाहता था बट आई सेड ओके। तो एम जी की जगह पे आप डालोगे पी जीरो ए और सिंप्लीफाई करोगे और आपको मिल जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन। बट रिस्टोरिंग फोर्स तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, पता है, आप इक्वेट कर लोगे आपको मिल जाएगा ओमेगा। बट ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओमेगा के लिए। बट एक्स जीरो इज इनिशियल वॉल्यूम वी जीरो अपॉन एरिया, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर एक्स जीरो, तो आपको मिल गया फाइनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सफिशियंट, वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू विथ मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन।